खाताबाई की गणितीय शुद्धता के लिए तैयार किया जाता है? फर्स्ट ए ऑप्शन है स्थिति विवरण, बी तलपट ट्रायल बैलेंस, सी नकद प्रवाह विवरण, डी आय विवरण शेष। राइट आंसर होगा बी तलपट। खाताबाई की गणितीय शुद्धता तलपट से ज्ञात की जाती है। सेकंड क्वेश्चन, व्यापार खाते से सूचना प्राप्त होती है ए शुद्ध लाभ की, बी परिचालन आय की, सी सकल लाभ की, डी विक्रित माल की लागत। राइट आंसर होगा सी सकल लाभ। नेक्स्ट है, एक फर्म में साझेदार का दायित्व होता है ए सीमित दायित्व, बी असीमित दायित्व, सी आनुपातिक दायित्व और डी शून्य दायित्व। राइट आंसर होगा बी असीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है ए निजी क्षेत्र के उद्योगों से, बी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से, सी कृषि क्षेत्र से और डी बैंकिंग क्षेत्र से, यानी कि बैंक से संबंधित। राइट आंसर होगा सी कृषि क्षेत्र से संबंधित मौसमी बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? ऑप्शन ए टंडन कमेटी, बी जेम्स राज कमेटी, सी शिवरमन कमेटी, डी क्रॉफी कमेटी। राइट आंसर है सी शिवरमन कमेटी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया ए फेरा, बी फेमा, सी MRTP, डी पोटा। इसका राइट आंसर होगा सी MRTP को। राजस्थान में आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 2003, 2004, 2005, 2006। इसका राइट आंसर होगा बी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विवरण में शामिल लाभानि का विवरण, बी लाभानि का विवरण और तुलना पत्र, सी होता है लाभानि का विवरण, लाभानि विनियोजन लेखा और तुलना पत्र, डी ऑप्शन है लाभानि विनियोजन लेखा और तुलना पत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी लाभानि का विवरण, लाभानि विनियोजन लेखा और तुलना पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलता का सर्वाधिक कठोर परीक्षण है चालू अनुपात, त्वरित अनुपात, सी पूर्ण तरलता अनुपात, डी ऑप्शन है शुद्ध लाभ अनुपात। राइट आंसर होगा सी पूर्ण तरलता अनुपात। कोष प्रवाह विवरण में कोष शब्द का अर्थ है ए नकद, बी चालू संपत्तियां, सी चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, डी चालू दायित्व। इसका राइट आंसर होगा चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, सी। वित्तीय विवरण होता है ए अनुमानित तथ्यों पर, बी प्रत्याशित तथ्यों पर, सी अभिलेखित तथ्य और डी प्रामाणिक तथ्य। इसका राइट आंसर होगा अभिलेखित तथ्य, यानी लिखित रूप में होता है वित्तीय विवरण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल लागत का घटक नहीं है ए प्रत्यक्ष सामग्री, बी प्रत्यक्ष श्रम, सी प्रत्यक्ष खर्चे और डी ऊपरी व्यय। इसका राइट आंसर होगा डी ऊपरी व्यय मूल लागत में नहीं शामिल किए जाते। किस प्रकार का अंकेक्षण पूरी साल चलता रहता है ए ऑप्शन है वार्षिक अंकेक्षण, बी अंतरिम अंकेक्षण, सी सतत अंकेक्षण और डी पूर्ण अंकेक्षण। इसका राइट आंसर होगा सतत अंकेक्षण, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निर्णय कि एक अंकेक्षक एक मूल्य निर्धारण नहीं होता है किस मुकदमे में दिया गया था?
मेक्शन और रॉबिन्सन केस, किंगस्टन कॉटन मिल केस, यूनियन बैंक ऑफ इलाहाबाद लिमिटेड केस, लंदन एवं जनरल बैंक केस। इसका राइट आंसर होगा बी, किंगस्टन कॉटन मिल केस में। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी मापने के लिए औसत कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 2400 कैलोरी, सेकंड 2100 कैलोरी, थर्ड 2800 कैलोरी, फोर्थ 3000 कैलोरी। राइट आंसर होगा 2400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्माण योजना से जुड़ा कथन निम्न में से कौन सा है? खाद्य उत्पादन आत्मनिर्भरता, बी परिवार कल्याण कार्यक्रम, सी आधार संरचना विकास, और डी होगा रोजगार सृजन कार्यक्रम। और इसका राइट आंसर होगा आधार संरचना विकास, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन हैं? ए ऑप्शन तरल निगम, बी उपकरणीय निगम, सी विनिर्माण निगम, डी सरकार और निगम। इसका राइट आंसर होगा डी, सरकार और निगम। नेक्स्ट, भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस क्षेत्र में की गई? फर्स्ट ऑप्शन कृषि शाख, सेकंड कुटीर उद्योग, थर्ड उपभोक्ता सहकारिताएं, फोर्थ कृषि विपणन। इसका राइट आंसर होगा ए, कृषि शाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वी कुरियन, बी एम एस स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है जेपी नारायण, और डी ऑप्शन है बाबा आमटे। इसका राइट आंसर होगा ए, वी कुरियन थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, समन्वय क्या होता है? प्रबंध का सार है, बी प्रबंध का कार्य है, सी प्रबंध का उद्देश्य है, और डी ऑप्शन है प्रबंध का विज्ञान है। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रबंध का सार होता है समन्वय।